दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने एक्सटेंडेड रैम या वर्चुअल रैम के फीचर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था और साथ में उसके जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बात करी थी। लेकिन मैंने सोचा कि जब एक्सटेंडेड रैम का फीचर मैं आपको बता सकता हूँ तो मैं आपको उसको रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके दिखा क्यों नहीं सकता हूँ। तो बिल्कुल यही आइडिया मेरे दिमाग में भी आया और इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाने वाला हूँ कि कितना डिफरेंस आता है हमारा जो एक्सटेंडेड रैम फीचर है उसके बिना फ़ोन को यूज़ करते हुए, और जब हम एक्सटेंडेड रैम वाले फीचर को यूज़ करते हैं तो उससे क्या डिफरेंस आता है, और अगर डिफरेंस आता है तो कितना ही फ़र्क पड़ता है हमें हमारे मोबाइल के डेली यूसेज में। तो बेसिकली ये वीडियो एक स्पीड टेस्ट और रैम मैनेजमेंट टेस्ट होने वाला है। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपकी जानकारी के लिए मैं पहले बता दूं कि जो फ़ोन मैं इस स्पीड टेस्ट और रैम मैनेजमेंट टेस्ट में यूज़ कर रहा हूं वो है ये ओप्पो का रेनो 6 5G। ये फ़ोन लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था और ये स्मार्टफोन ओप्पो की काफ़ी फेमस रेनो सीरीज़ का एक स्मार्टफोन है और ये आता है मीडिया टेक के एक काफ़ी फेमस डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर के साथ, जो कि अपनी परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी जाना जाता है। अब वैसे तो ये फ़ोन अपने प्रोसेसर की परफॉर्मेंस से ज़्यादा अपने कैमरा परफॉर्मेंस और उसके जो फीचर्स हैं उसकी वजह से जाना जाता है। इस फ़ोन का डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है। अब मेरे पास दो रीजंस हैं इसी फ़ोन को चूज़ करने के लिए इस वीडियो में, क्योंकि पहला, ये फ़ोन उन शुरुआती फ़ोन्स में से है जिसमें ये एक्सटेंडेड रैम का फीचर आया था, और दूसरी बात ये कि मेरे पास एक्चुअली यही फ़ोन अवेलेबल है जिसमें कि ये वी रैम का फंक्शन आता है। सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं वाईफाई मैंने ऑन रखा हुआ है, वाईफाई कनेक्टेड है, साथ ही में एयरप्लेन मोड पे फ़ोन को डाल दिया है जिससे कि वाईफाई से ही जो भी इंटरनेट एक्सेस होनी होगी वो होगी। इसके अलावा जो ब्राइटनेस है वो अभी ऑटो पे लगी हुई है, लेकिन मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। चलते हैं सेटिंग्स में और यहाँ पे रिफ्रेश रेट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने हाई पे सेट किया हुआ है, इस फ़ोन की हाईएस्ट लिमिट 90 हर्ट्ज़ है तो 90 हर्ट्ज़ पे ही ये मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। साथ ही में हाई परफॉर्मेंस मोड जो कि इस फ़ोन में ओप्पो द्वारा ऑफर की जाती है, हाई परफॉर्मेंस मोड को मैं यहाँ पे ऑन कर देता हूँ जिससे कि हमें कोई भी दिक्कत ना हो एक्सपेरिमेंट को अच्छे से करने में। इस पूरे टेस्ट में मैं दो राउंड्स करने वाला हूँ। पहले राउंड में ये जो 15 ऐप्स आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो लाइट ऐप्स हैं इनका मैं इस्तेमाल करूँगा, और जो सेकेंड राउंड होगा उसमें ये जो 10 ऐप्स आप देख रहे हैं जो थोड़ी हैवी हैं उनका इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ। रैम एक्सपेंशन को मैं सेटिंग्स में जाके मैंने ऑन कर लिया है रैम एक्सपेंशन वाले राउंड से पहले, और आप देख सकते हैं मैंने 3GB पे इसको सेट किया हुआ है, और ये रैम एक्सपेंशन तभी काम करता है जब हम फ़ोन को रिस्टार्ट कर देते हैं, जो कि मैंने रैम एक्सपेंशन वाले राउंड को करने से पहले कर लिया था। तो आप देख सकते हैं सारी ऐप्स को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया है और अब हम इस टेस्ट को करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए राउंड 1 को शुरू करते हैं और इस राउंड में हम बहुत ही लाइट ऐप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ठीक 1 मिनट और 1 सेकंड के बाद अब जो हमारा रैम एक्सपेंशन वाला फ़ोन है वो रैम मैनेजमेंट राउंड पे पहुंच चुका है। और अब 1 मिनट 18 सेकंड के बाद जो हमारा नॉर्मल फ़ोन है उसने भी रैम मैनेजमेंट का राउंड शुरू कर दिया है, और इसी के साथ जो हमारा रैम एक्सपेंशन वाला फ़ोन है उसने 1 मिनट और 26 सेकंड्स में अपने इस पूरे टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है, जबकि जो हमारा नॉर्मल फ़ोन है वो अभी भी कुछ ऐप्स पीछे है। और फाइनली अब 1 मिनट और 40 सेकंड के बाद दूसरे फ़ोन ने भी राउंड को कंप्लीट कर लिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहा है दोनों ही फ़ोन्स में। हालांकि कुछ ऐप्स में
डिले हम काउंट करें अगर, और कुछ जगह पे जो छोटी मोटी एरर्स हुई हैं उसको अगर काउंट करें, तो 2-3 सेकंड कम करने के बाद भी जो हमारा विनिंग फ़ोन है उसने लगभग 10 से 11 सेकंड की एक बहुत ही ज़बरदस्त लीड हासिल कर ली है। मतलब कि लाइट ऐप्स की अगर बात करें तो हाँ, रैम एक्सपेंशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। और जो मेन डिफरेंस है वो हमारा एक्चुअली रैम मैनेजमेंट में ज़्यादा आया है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि दोनों ही कंडीशंस में दोनों ही फ़ोन्स ने रैम में सारी ही ऐप्स को अपने ओपन रखा हुआ था, लेकिन रैम एक्सपेंशन वाले फ़ोन ने रैम मैनेजमेंट में बेहतर परफॉर्म किया। चलते हैं अब हम अपने सेकेंड राउंड पे। तो चलिए अब 10 हैवी ऐप्स का राउंड हम स्टार्ट करते हैं। तो इस राउंड में आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने गेम्स को भी रखा हुआ है, जिससे कि इस रैम एक्सपेंशन वाले फीचर की लिमिट्स को हम टेस्ट कर पाएं। तो देखते हैं आखिर में क्या रिजल्ट आता है इस हैवी ऐप्स वाले राउंड का। तो लगभग आखिरी ऐप्स तक हम पहुंच चुके हैं और बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट अभी भी चल रहा है। और अब हमारा जो रैम एक्सपेंशन वाला फ़ोन है वो आखिरकार रैम मैनेजमेंट वाले टेस्ट तक पहुंच चुका है, और हमारा जो पहला वाला फ़ोन है उसने भी इसको शुरू कर दिया है। तो बहुत ही क्लोज फाइट अभी तक चल रही है दोनों में फ़ोन्स में ही, और सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों ही फ़ोन्स ने अभी तक सारी ऐप्स को रैम में रखा हुआ है। और फाइनली 1:52 सेकंड्स पे हमारा जो रैम एक्सपेंशन वाला फ़ोन है उसने राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है, जबकि जो हमारा दूसरा वाला फ़ोन है वो भी अब ख़त्म कर चुका है 2:10 मिली सेकंड पे। तो अब इससे ही हमें समझ में आ रहा है कि ये राउंड काफ़ी ज़्यादा क्लोज गया था लाइट ऐप्स वाले राउंड के मुकाबले, और अंत में जिसने डिफरेंस क्रिएट किया वो आखिर ही ऐप थी जो कि सबवे सर्फर्स थी दोनों में ही। और सबवे सर्फर्स जो हमारा रैम एक्सपेंशन वाला फ़ोन है उसमें ऑलरेडी रैम में मौजूद था, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बात है, जबकि हमारा जो नॉर्मल वाला फ़ोन था 8GB रैम जिस पे थी सिर्फ, उसमें आप देखेंगे तो सबवे सर्फर्स ने दोबारा से शुरू से लोड किया था। और आखिर में जो 8 सेकंड का डिफरेंस है इसको अगर हम फिर से ह्यूमन एरर और छोटी मोटी गलतियों से अगर हम कॉम्पनसेट करें तो ये डिफरेंस फिर भी ठीक ठाक 4-5 सेकंड का हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि हैवी ऐप्स वाले राउंड में भी अगर आप काफ़ी हैवी ऐप्स यूज़ करते हैं तो उस केस में भी रैम एक्सपेंशन वाला फ़ीचर एक्चुअली में एक गिमिक नहीं है, ये फ़ीचर अच्छे से काम करता है, एटलीस्ट इस फ़ोन में तो काम करता ही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी सारे फ़ोन्स में भी ये ऐसे ही अच्छे से काम करता होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस टेस्ट में मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। आप भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये टेस्ट अच्छा लगा, इसमें मज़ा आया आपको या नहीं। तो दोस्तों देखा आपने, ये था एक स्पीड टेस्ट और साथ में रैम मैनेजमेंट टेस्ट, और इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस हद तक ये जो एक्सटेंडेड रैम वाला फ़ीचर है वो काम का होता है और वो कितना ज़्यादा डिफरेंस एक्चुअली में क्रिएट कर सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हूँ ये सब रिजल्ट्स को देख के, और मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि थोड़ा शायद बेहतर परफॉर्म कर सकता है, 1-2 सेकंड का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इतना लार्ज डिफरेंस आएगा और स्पेशली रैम मैनेजमेंट के केस में जैसा कि आपने देखा इतना ज़्यादा डिफरेंस मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और क्योंकि मैं खुद ये टेस्ट पहली बार कर रहा था तो इस वजह से मुझे भी डाउट्स थे कि कितना आखिरकार ये सक्सेसफुल हो पाएगा, लेकिन जो भी कुछ मैंने देखा उसके बाद से हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि एक्सटेंडेड रैम का फीचर एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको 2 राउंड्स में दिखाया कि एक बार मैंने हैवी ऐप्स को यूज़ किया और दूसरी बार मैंने लाइट ऐप्स को यूज़ किया, तो इन दोनों ही राउंड्स में कंपेयर करने के बाद
मुझे और आपको भी अब ये समझ में आ गया होगा कि स्पेशली जब आप हैवी ऐप्स काफ़ी सारी यूज़ करते हैं उसके साथ साथ जो नॉर्मल ऐप्स हम यूज़ करते हैं, ऐसे केस में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आपके जो नॉर्मल फ़ोन है उससे ही आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको इसी तरीके का टेक रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं जिससे कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हों, कोई सुझाव हों, तो आप इसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।